thank you, nagma, and team and all of you uh, for staying back. i know sharmo chalee, how many of you do not understand hindi at all. i mean, that's what. just a show just sure of. Yeah, yeah, so maybe for you, i'll translate a part of it because there's some poetry here. You know, i'll leave it a little bit poetic. so uh, my half an hour is going to be full of emotions, uh, you know, for sure. and <coughs> thank you for uh, being here.

Have been standing with us, and that's why this so called milestone of 25 years on, say, literally on, say, February 18th, just in a few days. Right? <laughs> so, uh, when you come from a small town, uh, you know, a beautiful place called Diradun, and you come to the city of Delhi or a big city. मुझे लगता है कि अ लॉर्ड ऑफ मीनिंग्स स्टार्ट चेंजिंग इफ यू लुक बैक इन अवर ओन लाइफ तो जैसे इन माय टाइम एन आई केम टू डू माय आई एम सी इन ऑल देहरादून वाज़ अ स्मॉल टाउन दिस इज स्टिल अ स्मॉल टाउन बट विद बिग फ्लाईओवर्स एंड मल्टी स्टोरीज इट द टाउन इज स्टिल स्मॉल वहां पे इफ दे वॉज अ फुटपाथ द फुटपाथ वॉज टू वॉक

द बिजनेस है सामान बिकता है भीक मांगी जाती है बहुत कुछ बदलता है तो आई एल नॉट गो इन टू द डीपर जर्नी ऑफ गूंज बट द फैक्ट रिमेन्स की दोड लाइट दोपल ऑन द फुटपाथ स्टार्ट बॉदरिंग यू एंड विंटर स्टार्ट बॉदरिंग यू मच मोर देन एनीथिंग एल्स बिकॉज यू यूज टू सी पीपल शिवरिंग and you are not able to understand at the age of 20 in the non-google era that what is this happening and why are people shivering? this compulsion hai, business model but yes abdu but understand. And in nutshell many of you have heard this story that how one of the encounter was with a person who used to pick up unclaimed dead bodies uh, and i spent many days with him Uh, <coughs> हबीब so uh, भाई ट्वेंटी रुपीज एंड टू मीटर ऑफ वाइट क्लॉथ पर डेड बॉडी आई एम टॉकिन उनका फुल टाइम काम था डेड बॉडीज उठाना और उनके वो दो स्टेटमेंट वेन हबीब भाई सेट दैट इन Uh, जाड़ों में मेरा धंधा बढ़ जाता है और कभी कभी इतना काम होता है कि संभलता नहीं एंड देन माई रियलाइजेशन दैट हाउ हबीब भाई वॉज पिकिंग अप टेन टू ट्वेल्व डेड बॉडीज एवरी ट्वेंटी फोर आवर्स इन विंटर्स वर्सेज फोर टू फाइव इन समर्स एंड देन माई थिंकिंग कि पीपल आर डाइंग ऑफ कोल्ड लाइक ऑल ऑफ अस मस्ट हैव थाट और कुछ दिनों बाद आपको देन यू कहीं ज्ञान प्राप्त होता है आपको पेड़ के नीचे एंड देन यू रियलाइज कि नहीं तो मैं कैसे जिंदा हूं हाउ कम आई एम लाइव इन द सेम टेम्परेचर ऑन माई स्कूटर एट ए स्पीड ऑफ सिक्सटी सेवेंटी किलोमीटर मैं जिंदा कैसे हूँ कोई सड़क पर कैसे मर गया एंड देन द रियइजेशन की नहीं भाई लोग ठंड से नहीं मरते लोग तो कपड़े की कमी से मरते हैं. मेरे और उसमें तो यही फर्क है वरना तो सेम थे और बल्कि मैं तो स्कूटर पे था मैं तो स्पीड पर था मुझे पहले मरना चाहिए था मैं कैसे सुन फिर उनकी छोटी बेटी का ये कहना कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती लाश तंग नहीं करती लाश करवट नहीं बदलती when i feel cold i hug the dead body and sleep it does not trouble me it does not turn around एनदर योर एंटायर इलाइज़ेशन किए तो कपड़े का कुछ ना कुछ लफड़ा है दिस समथिंग टू डू विद क्लॉथ मैं आज शायद ये स्टोरी आपसे शेयर नहीं करता बिकॉज़ आई एम आल्सो सिक एंड टायर्ड ऑफ talking about a particular story in my life, but i often share because things have not changed. i share because i know that that girl still exists, that family still exists. a failure of gunj completely in 25 years that we have still not been able to bring clothing in the list of development subject or as a policy subject. because hamitane, magan reh, प्रैक्टिकल काम करने में कि हम इन सब चीजों को सोच नहीं पाए और मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं ये सब क्योंकि uh, 2020 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर ऑल ऑफ अस फॉर दिस सेक्टर आल्सो टू सेलिब्रेट 100% द वे वी ऑल ऑपरेटेड द वे वी ऑल रेस्पोंडेड टू द एंटायर कोविड क्राइसिस बट आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर जब हमें शहर यह समझना मुश्किल हो गया था दैट सोसाइटी हैव वी बिल्ड मैं आपको पर्सनल जर्नी बता रहा हूँ तो ट्वेंटी ट्वेंटी फर्स्ट वेव कोविड हैपन कोविड हैपन टू मी बिकॉज वी वर ऑन द व्हेन दी दिस एंटायर क्राइसिस आई वाज कन्फाइंड फॉर अबाउट ट्वेंटी सिक्स डेज और न्यूज़ सुनते थे उन ट्वेंटी डेज में तो आई कंट गो आउट उससे पहले आई एट सीन एंड क्योंकि मेरा आई हैवे बैकग्राउंड ऑफ जर्नलिज्म फोटोग्राफी तो मैंने बहुत सारी पिक्चर खींची थी बहुत कुछ किया था तो मैं ये नहीं समझ पा रहा था पर्सनली कि हुआ क्या यह कैसे हुआ कि लाखों लोग सड़कों पे निकल गए यह कैसे हुआ दैट पीपल न्यू कि देर इज नो ट्रांसपोर्ट देर इज नो फूड एंड देर इज नो मनी बट स्टिल दे दे डिसाइडेड टू गो ऑन द रोड इंस्टेड ऑफ ट्रस्टिंग मी मी ऑफ अस जिनके घर वो चलाते थे जिनके घर उन्होंने बनाए जिनकी फैक्ट्रियां उनकी वजह से चली जिनके घर का खाना वो लोग बनाते थे उन्होंने हम पे विश्वास क्यों नहीं किया और वो क्यों चले गए तो एक लिखना शुरू किया था मैं लिखता हूं और कोविदी करके आई स्टार्ट राइटिंग एंड आई थॉट कि इसको किताब में कन्वर्ट करेंगे एंड आई टेल यू लेटर क्या हुआ तो ये ये जो पूरी कविता है ये उन लोगों की तरफ से है जो चल रहे थे और ये सभी वो लोग हैं जो हम सबके टारगेट ऑडियंस हैं चाहे गांव में या शहर में क्योंकि मैं और आप तो नहीं चल रहे थे दो वॉकिंग तो बहुत बड़ा सवाल छोड़ के चले गए हम लोगों के पास में उनमें से कुछ लोग वापस आए कुछ लोग वापस नहीं आएंगे लेकिन वो सवाल हमारे ऊपर छोड़ के गए तो मैं उनके बिहाफ पर कुछ बोलता हूं तो बताऊंगा आगे क्या कर रहे हैं तो टाइटल सेज एक बार रोका तो होता तो इसे सुनो हमने तो कभी नहीं कहा कि जिन मकानों में तुम बसे हो वो हमने बनाए हमने तो ये भी ना बताया कि जिस दाल चावल से तुम्हारा पेट भरा है वो हमने उगाए हमने तो कभी नहीं जताया कि जिस सड़क पर गाड़ियां दौड़ती हैं तुम्हारी वो हमने बनाई और हमने जोड़ी रंगी सवारी ये गाड़ियां फल मंडियों में हम ढोते हैं सब्जियां हम बोते हैं तुम्हारी दीवारों की चमक में हमारे हाथों का रंग है तुम्हारे मकान की नींव में और उसकी छत में हमारा दम है हमने तो कभी बोला ही नहीं कि जिस रिक्शा में तुम बैठते हो वो हमारे फेफड़े खींचते हैं तुम्हारे घरों के गमलों में खिले रंग बिरंगे फूल गार्डन की घास हम अपने पसीने से सींचते हैं हमने तो ये तक ना बोला कि तुम्हारे बच्चों की स्कूल की गाड़ी के ड्राइवर हम हैं नीचे उतरकर बच्चों को कॉलोनी के गेट तक छोड़ने वाले हेल्पर हम हैं वो शाम की चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे मूंग की दाल के लड्डू चाशनी से भरी बारीक जलेबियां और वो कई किस्म के पानी वाले गोलगप्पे हम बनाया करते हैं तुम्हारी रसोई की जूठन कपड़ों का पसीना फर्श पर हर तरह के दाग जूतों के साथ आई सड़क की कीचड़ सब तो करते हैं नाक पर रुमाल रखे बिना फिर वो आगे कहते हैं हमने तो ना स्कूल मांगे न सड़क न बड़े मकान न गाड़ियां न पक्की छत ना कोई बड़े पार्क तुम्हारी रसोई भर जगह ली थी शहर के किसी गुंदे कोने में टॉयलेट साझा था घर चूता था और सड़क भी तो घर था या पार्क का कोई कोना लकड़ी के छोटे से बक्से में कॉलोनी के गेट पर बैठने में खुश थे हाथ में डंडा लिए जागते रहो की आवाज देते खुश थे गंदी गलियों में अपने बच्चों को खेलते देखते खुश थे अरे खुश थे जैसा भी था जो भी था बस मान लो कि खुश रहने के लिए खुश थे आज कह रहे हैं आज कह रहे हैं क्योंकि दुखी हैं दुखी होने के लिए दुखी नहीं पर दिल से दुखी हैं सोचते हैं एक बार सिर्फ एक बार आवाज देकर इशारा करकर फोन उठाकर रोका तो होता तो मैं पर्सनली उस दौर से गुजर रहा था हमारे ऐसे बहुत लोग गुजर रहे थे क्योंकि काम को 20 बाईस साल हो गए थे आपको समझ नहीं आ रहा था सब हो क्या रहा है आप दिन रात लगे तो हैं बट ये कैसी सोसाइटी बिल्ड की आपने कुल किया तो उससे पहले एक कीड़ा शुरू हुआ था लाइफ में कि कहीं कुछ हमारे हमारी इंटेंशन तो बड़ी अच्छी है फैक्ट रिमेन्सरी <laughs> तो इंटेंशन तो हम लोगों की बहुत अच्छी है रिसोर्सेस भी ठीक ठाक ही हैं हम लोगों के पास में मेहनत करते हैं दिन रात सबके सब बट कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई कहीं कुछ गलती तो नहीं हो गई लोगों को समझने में और कहीं कुछ ऐसी गलती तो नहीं हो गई कि लोग अपने को कुछ नहीं समझते तो गूंज के साथ साथ में एक कीड़ा था जिसको हम ग्राम स्वाभिमान बोलते हैं और जब ये 2020 में हुआ तो

तो हमने कहा कि एक ये तो बड़ा शायद एक टाइम आ गया है व्हेन वी स्टार्ट चेंजिंग द नैरेटिव ऑफ पीपल तो आप सभी लोग अभी अगले दो मिनट में जरा सोच के देखिए कि इन इन अवर लाइफ वेदर टुडे और इन अवर पास देर यूज टू बी ए किड इन अवर फैमिली और इन द लोकेलिटी कोई एक बच्चा होता था जिसको सब गांव के लोग कॉलोनी के लोग घर के लोग कहते थे बड़ा स्लो है ये बुद्धू है बाजार जाएगा वापस नहीं आएगा अनुराग बोल रहा है वो है हम में से बहुत सारे लोग वैसे ही थे यू <laughs> नो you know? और एक टाइम आया जब उस बच्चे ने ये सोचा कि हाँ यही सच है यस आई एम स्लो आई डोंट रिस्पोंड आई ऑफ स्किल द किड वाज एब्सोल्युटली नॉर्मल सो so 5% परसेंट ऑफ देम बिकेम रिबेलियन दे वॉन्टेड प्रूव समथिंग इन लाइफ 95% फाइव परसेंट मे एक्सेप्टेड मैं ये कह रहा हूं कि बच्चा तो नॉर्मल था उसकी अपनी पेस थी ही यूज़ टू अ समोसा इन द मार्केट दैट वॉज हिज वे ऑफ ऑपरेटिंग बट क्योंकि समाज बोलता रहा द किड स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं ऐसा ही हूं तो मैं आज ये कह रहा हूं इधर इस स्टेज से क्योंकि आपने मुझे स्टेज पे चढ़ा ही दिया है एग्जैक्टली exactly ये हमने अपने देश के और अपनी दुनिया की लार्जर पॉपुलेशन के साथ में किया हमने कहा तुम गरीब हो हमने कहा तुम बेचारे हो हमने कहा तुम्हें ये नहीं आता यू डोंट नो दिस यू डोंट नो दैट और प्रूफ उसका इस बात यह है कि इन दिस कंट्री

और उनको किसी प्रोग्राम में लाते हैं पंद्रह दिन के लिए एक सिटी में प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग देते हैं और कहते हैं अब तुम स्किल्ड हो गए तो बात तो बात तो सही है स्किल्ड हो गए बट वो सर्टिफिकेट इस बात का भी प्रूफ है कि पिछले चालीस साल से आप अनस्किल्ड थे तो हमने कहा कि हम ये वी किन्वर्सेशन

जिस सड़क से मैं आया वो किसने बनाई मेरा घर किसने बनाया मेरी फैक्ट्री मेरा ऑफिस किसने बनाया पेट जो भरा है जिसकी वजह से मैं यहां खड़ा हूं वो चावल किसने उगाया ट्रस्ट मी कम कमॉन्ग समाइम वेन दीज यात्रा एंड वीर डूइंग इट कंटिन्यूअसली विद इन टेन मिनट्स यू सी हंड्रेड ऑफ पीपल हंड्रेड पीपल टीयर्स क्योंकि पहला एक्नॉलेजमेंट है जो उन्होंने किया है उसका दूसरा आप उनसे पूछते हो कि यार देखो जब भी हम हम फिर अपना आपस में ही बात कर लेते हैं हम जब भी ऐसी किसी मीटिंग में बैठते हैं गांव की सभा की कोई बुलाते हैं ओनली टॉक अच्छा और क्या समस्या है हम लोग और क्या कर सकते हैं क्या क्या दिक्कतें हैं जिन जिनपे बात होनी है यू you नो know? क्या नहीं है आपके पास लाजली हमारी कॉन्वर्सेशन इस ग्राम स्वाभिमान में होती है कि अच्छा थोड़ी देर बैठते हैं लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि हमारे पास क्या है है ना आप बिलीव नहीं करोगे दस मिनट तक दो मिनट तक साइलेंस होता है hmm. क्या नहीं है, पे जब बात होती है तो खड़गे -खड़ -खड़ स्कूल नहीं है शाला नहीं है ये नहीं है वो नहीं है सब बट जब आप देवता संस्कृति uh, की अभी हम मैं रत्नागिरी में था और रत्नागिरी में बड़ा पोइटिक हो गया किसी ने कहा कि हमारे पास नदी है तो दूसरे ने उसमें

कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे पास है जंगल है जमीन है पानी है खुली हवा है मेहनत है लेबर है सब कुछ है यू लिस्ट लाइक ऑलमोस्ट हंड्रेड थिंग्स बट देन द कंडीशनिंग विच इज है पुअर तुम गरीब हो तुम बेचारे हो हम तुमको बताएंगे ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट एंड देन यू स्टार्ट आर्ग्यूइंग विद दो भाई जैसे कि मुझे तो आम खाना बड़ा पसंद है बट पेड़ पे पेड़ चढ़ना नहीं जानता मछली खानी पसंद है तालाब में जाऊंगा डूब जाऊंगा गाड़ी चला सकता हूँ ट्रैक्टर नहीं चला सकता तो बांसवाड़ा में थे हम राजस्थान में एक महिला घूंघट में थी जैसे ही हमने कहा कि भाई चावल खाना पसंद है खेती करना नहीं आता तो उस महिला ने घूंघट के अंदर से बोला यदि तो खेती करना नहीं जानते तो खाते क्या हो

हमारे को जो भी कहता है कि हम बड़े बहुत बड़े कोलाबरेटर हैं बड़े सब मिल काम करते हैं करते हैं मुझे हमेशा लगता है कि हमारा जो सबसे बड़ा कोलाब्रेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ में नहीं है वो कम्युनिटी के साथ में है क्योंकि हम कम्युनिटी में किसी दाता की तरह नहीं जाते हम कम्युनिटी में सीखने जाते हैं सुनने जाते हैं और कम्युनिटी को कुछ नहीं चाहिए जिसको आप डिग्निटी बोलते हैं ना वो डिग्निटी क्या होती है डिग्निटी बहुत सिंपल सी चीज़ होती है कि आप जो है बस उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लीजिए दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ डिग्निटी लॉर्ड ऑफ पीपल टॉक अबाउट दैट गूंज गिव्स डिग्निटी टू पीपल एंड वी वी ऑलवेज ऑब्जेक्ट से नो नो वन कैन गिव डिग्निटी टू पीपल डिग्निटी इज अ पार्ट ऑफ योर सोल आप किसी भी कास्ट कम्युनिटी कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक पावर वेर एवर यूर बॉर्न डिग्निटी इज अ पार्ट ऑफ योर सोल सोसाइटी कैन ओनली डू टू थिंग्स आदर इट के इट कैन स्नेच डिग्निटी तो जब आप किसी महिला को खुले में जाके सेनेटरी पैड देते हैं और उसके साथ फोटो खींचते हैं ये कहकर कि आइए लोगों को और मोटिवेट करें आप उस महिला की डिग्निटी छीनते हैं बहुत सिंपल सी बात है तो मैं जस्ट आपको दो तीन चीजें और जर्नी की बोलता हूं एंड देन वी तो हमारा ये काम है और ये हम सोचते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट काम है हमने लोगों से कहा कि लैंग्वेज और नैरेटिव बदलना बहुत जरूरी है हमारे काम में तो वेन इवन वेन वी टॉक अबाउट द क्लोदिंग फाइन और यूटेंसिल और फुटवेयर फेयर वॉट एवर वी टॉक हमारा हमेशा नैरेटिव रहता है दैट वी वॉन्ट टू डोनेट है एक ही एक ही कॉमन सेंटेंस होता है और हमने ऑब्जेक्ट किया हमने कहा नहीं सब जब हम पुराना सामान देते हैं तो हम डोनेट नहीं करते हम तो उसको डिस्कार्ड करते हैं वी आर गिविंग इज बिकॉज वी डोंट नीड इट राधर वी नीड टू भी थैंकफुल टू दीपल हुई क्योंकि वो हमारे इमोशंस के कीपर हैं वो हमारे उस हार्ड एंड मनी के कीपर हैं वो उस टाइम के कीपर हैं जो हम किसी चीज को खरीदने में लगाते हैं और दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इन द लाइफ ऑलोपर्स क्योंकि देखिये मैं ये सब बातें सिर्फ तीन स्लाइड में बोलूंगा और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ट्वेंटी ट्वेंटी से बहुत ट्रबल्ड हूँ और मैं इसलिए ट्रबल्ड हूँ बिकॉज इन दैट पर्टिकुलर फेज एवरी सिंगल बिग थिंग फेल्ड स्मॉल थिंग वर्क एयरपोर्ट बंद थे बस अड्डे खुले हुए थे बड़ी बड़ी तीस चालीस तीस-चालीस-चालीस लाख की पार्क थी और वो चार पहिये की घंटी बजाता बजा ब्रेड देने वाला तब भी आता था बड़े हॉस्पिटल्स ने वो हाल किया है कि अगली दो पुश्ते आपके बिल नहीं चुका पाएंगे। घर बिक गए लोगों के रेमडेसिविर फ्रॉड था क्रोसिन हकीकत थी भाएं? तो मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत जरूरी है कि हम अच्छी इंटेंशंस वाले लोग अपने तरीकों में थोड़ा सा चेंज लाएं और भाषा को बदलें बस तो हम यह कह रहे हैं कि डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो उसको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है चैरिटी किल्स डिग्निटी ऑफ पीपल चैरिटी इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट विद ऑल द गुड इंटेंशंस फॉर द डूअर ऑफ इट बट नेवर फॉर द रिसीवर ऑफ इट क्योंकि चैरिटी इज लार्जली इंपोज और हमारे देश के बच्चे चैरिटी के मोहताज नहीं होने चाहिए दे शुड नॉट बिकम विक्टिम ऑफ चैरिटी इसीलिए हम कहते हैं कि कोई डोनर कोई बेनिफिशरी नहीं है ये गलत फहमी है हमारी और यह सवाल इसलिए है कि यदि मैं टाइम दूं, इफ आई गिव टाइम आई एम ए डोनर बट वेन द कम्युनिटी इज गिविंग टाइम how come they are beneficiaries if i put in my skill i am a donor but if the community is putting its skill how come they are beneficiaries ye double standard kyun hai and it's not about the word a donor and beneficiary i mean word jo marzi use kar lijiye jaise hum bhi to kehte hain jab main garib nahi hu to hum ye nahi keh rahe ki poverty word hata denge हम तो ये कह रहे हैं कि आप उसको न, economic poverty बोलिए ना कॉल economic poverty। Because that's just the economic poverty। वो आप लेबल नहीं कर सकते हजारों तरह की पॉवर्टी है मैं पेड़ पे चढ़ने में गरीब हूँ मैं तालाब में तैरने में गरीब हूँ मैं गाना गाने में गरीब हूँ मैं डांस करने में गरीब हूँ मेरी बहुत सारी गरीबियाँ हैं <laughs> तो क्वालिटी ऑफ फिनेंशियल पावर्टी और इकोनॉमिक पावर्टी उसी तरीके से हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि बात डोनर और बेनिफिशियल शब्दों की नहीं है बात उस थॉट की है एंड यू नो वाट आज आप पूरे दिन कोलाब्रेशन की बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इफ वी डू नॉट चेंज लैंग्वेज वी आर मिसिंग आउट जिनको आप बेनिफिशरी ट्रीट करते हैं उनके पास बहुत स्किल है वो बेटर जानते हैं अपनी जगह को इफ वी कम अप विद दी स्टेक होल्डर माइंड सेट वी हैव मोर हैंड्स एंड वी हैव मोर ब्रेन एंड द लास्ट पार्ट हम ये कह रहे हैं कि बहुत जरूरी है स्टेक होल्डर अप्रोच तो ये जितने भी आप काम देख रहे हैं ये हमारा क्लॉथ फॉर वर्क इनिशिएटिव है बिकॉज आई नो नो हाउ मेनी ऑफ यू नो वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी यूज इट लाइक एज अ रिवॉर्ड एज अ करेंसी सो दिस इज वेयर इन दिस ऑल फोर एग्जाम्पल्स देर आर थाउजेंड्स ऑफ सच था पीपल हैव डिसाइडेड तो हमने जाके ये प्लान नहीं बनाया कि हर गांव में सड़क बनेगी उस गांव की महिलाओं को सड़क चाहिए थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे सड़क बनेगी बिकॉज दे वॉन्टेड ए रोड दूसरा गांव चेक डैम बनाना चाहता था कोई पानी को रोकने के लिए तीसरा ये जो थोड़ा आप कोई बची हुई लेफ्ट ओवर कोई काम था जो मार्च में खत्म हो गया होगा उसको पूरा करना चाहता था चौथा गांव बांस का पुल बनाना चाहता था वॉट आई एम ट्राइंग टू से इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू गिव चॉइस इन देंड्स ऑफ पीपल और ये काम हम लोगों का कलेक्टिव है इस सेक्टर में भी चाहे वो एजेंसीज हों चाहे वो करने वाले लोग हों चाहे वो फंडिंग एजेंसीज हो इ कलेक्टिव थिंग दैट इफ वी डू नॉट लिसन टू दीपल इफ वी कीप डिबेटिंग ऑन नीड एंड वॉन्ट वी आर लूजिंग आउट जिसको सड़क चाहिए उसे यदि पुल बनवाओगे तो वह हार्ट हाफ हार्टेडली करेगा और लेबर की तरह करेगा और लेबर के लिए करेगा और जिसको सड़क चाहिए और आप उसकी सड़क पर काम करोगे तो वो दिल से करेगा क्योंकि उसको सड़क चाहिए मैं जाने से पहले जस्ट टू सेलिब्रेट स्पिरिट ऑफ दिस ब्यूटीफुल ग्रुप मैं आजकल क्योंकि वापस पोएट्री में चला गया हूं तो मैं आई एल रीड अनदर पीस ऑफ पोएट्री बिफोर आई आ लीव तो इट टॉक्स अबाउट अगर नींद से प्यारा है सपना एंड दिस इज जस्ट टू सेलिब्रेट ऑल ऑफ अस हेयर क्योंकि यही है हम लोग जो मैं कह रहा हूं शायद वही हम सब लोग हैं यहाँ पर इसे अगर नींद से प्यारा है सपना और जिद के साथ ले सकते हो जोखिम तो ये जगह तुम्हारी है अगर शुरू कर सकते हो अकेले और बढ़ने के लिए नहीं ढूंढोगे सहारा तो यह जगह तुम्हारी है अगर भरोसा है खुद पर और अविश्वास नहीं है जग पर तो ये जगह तुम्हारी है अगर चल सकते हो अंतक और छाओ का इंतजार नहीं है तो ये जगह तुम्हारी है हम इसे गूंज के अंतम की तरह लेते हैं इट सेज आगे अगर भूख लगे और याद आए भूखा और प्यास पर तालाब एक सूखा तो यह जगह तुम्हारी है अगर आंख नहीं है पर दृष्टि है तन का एक भाग नहीं है पर मस्ती है तो यह जगह तुम्हारी है और बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट अगर नहीं चाहते आग लगाना अगर नहीं चाहते आग लगाना और चिंगारी है एक मकसद तो यह जगह तुम्हारी है अगर नींद से प्यारा है सपना और जिद के साथ ले सकते हो जोखिम तो ये जगह हमारी है आई थिंक वी हैव टू कंटिन्यू क्लैपिंग